Thank you.
बंगाल में, पूर्वी बंगाल में किसी अच्छे समृद्ध ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनकी धर्म में प्रवृत्ति थी। स्वाभाविक रूप में वहां पर घर में रह करके उन्होंने अध्ययन किया और ग्रेजुएशन भी किया। इसके बाद में बड़े सुंदर लेखक थे, किसी पत्रिका में भी ऑडिटर, कौन पत्रिका, पहले किसी पत्रिका के एडिटर संपादक भी थे।
जब प्रभुपाद के कुछ भक्त लोग उनके गांव में गए और उन्होंने प्रभुपाद की महिमा सुनी तो प्रभुपाद का रंग उन पर चढ़ गया और वे फिर मठ में चले आए और प्रभुपाद जी का पादाश्रय किया, उनसे दीक्षा शिक्षा सभी ग्रहण की। प्रभुपाद ने उनका नाम प्रणवानंद ब्रह्मचारी रखा और सबसे पहले उनको नदिया प्रकाश के एडिटर के लिए नियुक्त किया। बहुत दिन तक करते रहे, फिर उन्होंने मासिक गौरीय पत्रिका का भी उन पर भार दिया और उन्होंने निर्वाह किया। बड़े सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे। प्रभुपाद ने उनकी योग्यता देखकर उनको महामहोपदेशक की पदवी दी। ये पाठ करते थे भागवत या वक्तृता करते थे तो आंख बंद कर किसी को देखते नहीं थे, बोले कृष्ण का ही दर्शन करते हुए और वक्तृता करते थे। कौन पूछ गया, कौन यहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं देखते। इस प्रकार से प्रभुपाद के समय तक विभिन्न पदों पर रह करके अपने गुरु जी की सेवा की। प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद में गौड़ीय मठ में कुछ बात विवाद इत्यादि हुआ, जिसे गुरु प्रभुपाद के अधिकांश योग्य और प्रवीण शिष्य गौड़ीय मठ को बाध्य हुए छाड़ने के, छोड़ने के। ये भी छोड़ करके हम लोगों के मठ में भी चुचड़ा में गुरु जी के पास में रहते थे। पहले शायद उन्होंने संन्यास किया था, उड़िया जो थे वैखानस महाराज। वैखानस महाराज जी से प्राचीन प्रभुपाद के सन्यासी राजपंडित और बड़े विद्वान संस्कृत के थे, उनसे उन्होंने लिया और हमारे मठ में आए। उस समय में गुरु जी ने उनकी सेवा का भार हमको दिया और मैं उनको खिलाने पिलाने का सब कार्य करता और वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाया करते तो मैं उनका उत्तरी और बहिर्वास इत्यादि लेकर के और कमंडलू लेकर के जाता और स्नान करके फिर उनके साथ में आता था। एक दिन हमारा पूर्वाश्रम का मैं लौटा, हमारे पास में था और तो सब छोड़ ही दिया था, तो उसको लेकर के गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे तो लोटा वो ज्वार आया और उसमें पक करके ना जाने कहां चला गया। तो पूरी महाराज जी हंसने लगे, माने कहा जी अच्छा हुआ हमारे पूर्वाश्रम का ये लोटा था ये चला गया, अच्छा हुआ। इस तरह से उनके पास में रहता था। इसके बाद में वो पूज्यपाद नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपासी स्वयं भक्ति दैत माधव महाराज जी गोस्वामी के साथ में रह करके प्रचार करते थे और उनकी पत्रिका क्या थी चैतन्य वाणी में वो पूरा लेख वही करते थे, उसका संपादन करते थे और जहां जाते थे उनके साथ में भी घूम जाते थे। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उन्होंने कांगला में एक मठ स्थापन किया और फिर मायापुर में भी गोपीनाथ गौड़ीय मठ, वृंदावन में भी एक गौड़ीय मठ गोपीनाथ गौड़ीय मठ की स्थापना।
बड़े अच्छे लेखक थे। जगन्नाथपुरी में भी मैं जगन्नाथपुरी में मैं जब भी जाता था, कहीं भी रहते थे, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे मायापुर में, चाहे पुरी में, मैं जरूर से भेंट करता और अपनी प्रकाशित पुस्तकें उनको देता था। वो कहते थे कि आप जो कुछ प्रकाशित करें हमको जरूर, और पढ़ देख करके बड़े खुश होते थे। तुमने हिंदी भाषा में इतनी पुस्तकें निकाल रहे हो, तुमको हमारा विशेष विशेष आशीर्वाद है, और स्नेह करते थे। तो मैं भी ऐसा ही, यही कोई हिंदी पुस्तक प्रकाशित हुई, उनके हस्त कमलों में अर्पण कर देता, बड़े खुश होते। जब अंत में अंतिम समय में बोलचाली बंद हो गई, तो मैं उनको दर्शन करने के लिए पूरी मठ में गया। वो चुपचाप सोए हुए थे, किंतु मैं गया। मैंने कहा, जैसे मैं आपका सेवक नारायण महाराज आया हूँ, आप खोल दिया और बड़े प्रसन्न हुए। मैंने थोड़ी सी उनसे बात की, उसमें बात करना उचित नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा ना, उन्होंने बतलाया। इसके बाद में उनको प्रणाम किया और उसके दो एक दिन के बाद ही मैं साहब और प्रकट परिणाम। आज उनके हम इस तिथि पर उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो हम सभी पर कृपा करें, कि हम लोग भी शुद्ध भक्ति का उन्हीं के समान प्रचार कर सके, और वैसे ही गुरु निष्ठा हम लोगों ने ली। हमारे गुरु महाराज के बहुत प्रिय थे, गुरु महाराज जी उनको बहुत स्नेह करते थे। गुरु महाराज सबके विनोदकार थे, वो विनोदकार ही कहा करते थे और कुछ नहीं, चाहे सन्यासी हो चाहे जो हो, किंतु बस विनोदकार विनोदकार ऐसा ही करते थे। और गुरु महाराज इसी से प्रसन्न होते थे। उनको आत्मीय स्वजन जैसा कोई महाराज वो ऐसा नहीं, विनोदकार करते सभी लोग गुरु महाराज को विनोदी कहा करते। अभी भी बातचीत में विनोद चाहते हैं, मायापुर में अभी भी मुसलमान और दूसरे लोग जो भी बुढ़े बचे हुए हैं, विनोद बाबू उनको कहा। तो पुरी महाराज जी की जय हो। कृष्ण कृपा है यहाँ पुराने से भी बोलेंगे। माधव प्रिय So this month we have had the good fortune to go to more than the 12 main forests of Vrindavan, as well as other main pastime places of Sri Krishna. There we have definitely heard all the sweet pastimes of Krishna that he performed in the different forests. Today we went to Kadiravan, Yavat, Kokilavan, Charapahari, Kosikalan, and then we returned here to Giriraj. Today is the most worshipful day, the disappearance day of Nityananda Prabhu on Vishnupad, Sisimad Bhakti Pramod Puri Maharaj. So he appeared in Bangladesh, and from birth he was naturally inclined towards religious activities. He appeared in a very religious Brahmin family, and even at young age he showed great proclivity in writing and was an editor even before he came to the mat. Some disciples of Jagadguru Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur were preaching around the area, and from them he heard the glories of Srila Prabhupada. He went to the mat there and met Prabhupada and took shelter at his lotus feet. And some days after he took Diksha and Shiksha and joined the mat completely as a Brahmachari. And he was given the name Sri Pranavananda Brahmachari.
Prabhupada put him in charge of the world's first daily spiritual newspaper, the Nadia Prakash. And after some time, he was given the editorship of the monthly Patrika magazine. His behavior was very soft and gentle. And Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave him the honorary title Mahama Upadhyasa, one who gives, who is qualified to give instructions. When he would speak Hari Katha, his eyes would be closed. That time he would be having the darshan of Krishna. Who would come and sit and who would get up and go? He had no idea. He remained completely in the service of his Gurudev. But after the disappearance of Srila Prabhupada, there was so much disturbance in the Gaudiya Math. Most of the main disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went here and there. Especially many came to our Padma Gurudev. That time he also, after taking sannyas from the very famous Raj Pandit, Sri Vaikanas Maharaj, he came to Chinchuna Gaudiya Math. That time Sri Gurudev was there, as well as Padma Gurudev. So Gurudev said, I was given this chance by my Gurudev to serve him in terms of his eating, sleeping, drinking, all this, washing his cloth, all those services I used to perform, Gurudev. Especially he would take bath every day in the Ganga. He would take, Gurudev said, I would take his cloth and his gamcha. Especially one day, Gurudev had brought from his former ashram one drinking lota. So Srila Purimaraj would always joke with him about that lota. That is your last attachment. So when Gurudev went to take bath, he kept the lota on the bank of the Ganga. And when he came back, some wave from the Ganga had taken away the lota. Therefore, Srila Purimaraj always used to laugh. Oh, the Ganga took away your last attachment. Very nice. So he stayed there for some days, some months, sorry. Then he went to Pujapad Nichalila Parish Srila Bhakti Daita Madhav Maharaj. And he preached with him. Especially he took responsibility for all the publications of Srila Bhakti Daita Madhav Maharaj, especially their monthly magazine, the Gaudiya Vani. He established Chaitanya Vani. He established three main Gaudiya Maths, one in Jagannath Puri, one in Mayapur, and one in Vrindavan. Gurudev said, no matter what I was doing, if I had the chance, I would always go for his darshan. And whenever I went, I used to give my Hindi books to him. One time Gurudev said that one time Srila Purimaraj was angry at Gurudev, and he cursed Srila Gurudev, you are useless, all you can do is write books. So Gurudev said that when he would give a book in the hand of Srila Purimaraj, he said, this is the result of your curse, Maharaj. So whenever he used to see those Hindi books, he used to become very, very pleased and would give special blessings to me. So whenever he saw me, he was always very pleased. Especially in the last part of his pastimes, when Guruji went there, his eyes were completely closed. So Gurudev went in his ear, I am your servant, Narayan Maharaj has come. Then he became very happy. Even though the doctors were forbidding him to talk and they had some long discussion and Gurudev asked some questions. And after that he closed his eyes and did not talk to anyone. And 2 or 3 days after he left, on this very day, 1999. Therefore we pray that he may give us all mercy. Especially Gurudev said, I am requesting him to give me the blessings that I can preach this current of pure devotion everywhere. He was very, very affectionate. Padma Guruji and Srila Purimaraj had a very affectionate relationship. Therefore, even after Padma Guruji's sannyas, then Sri Bhakti Pramod Purimaraj would always call him Vinoda, means big brother Vinod. Therefore, Gurudev said, even the Muslims of Mayapur used to call him Vinod Babu. Therefore, all of his godbrothers had such a sweet relationship with Bhakti, with our Padma Gurudev. एक सौ से ऊपर की उनकी उम्र थी। एक बार इस्कॉन के लीडर लोग उनके पास में गए और बोले, नारायण महाराज मधुर रस की बातें करते हैं,
प्रचार करते हैं, भागवत का भी दशम स्कंध इत्यादि पाठ करते हैं, इसलिए आप कहिए कि नारायण महाराज हमारी परंपरा जैसे नहीं है, ये परंपरा से बाहर रह करके प्रचार कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद थे, उनके गुरु जी थे और सब लोग थे, उससे बाहर ये प्रचार कर रहे हैं। हमने कहा कि तुम लोग उनके प्रति अपराध कर रहे हो, वो हमारे संप्रदाय का गौरव है, बहुत विद्वान है, हमारे संप्रदाय का सिद्धांत में बहुत निपुण है और विशेष करके वो हिंदी क्षेत्र में इसका प्रचार कर रहे हैं, तुम लोगों को तो और उनके प्रति प्रीति रखनी चाहिए, तो तुम लोग ऐसा भाव क्यों रख रहा है। सुन करके वो लज्जित होकर के लोग चले गए। Some years ago, some ISKCON leaders, don't want to mention any names, they came to Silapuri Maharaj and were complaining against Srila Gurudev. They were saying, this Narayan Maharaj, he speaks only on the topics of the gopis and he always gives lectures from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Therefore, please, you should tell everybody that he is not a pure devotee and he is outside the line of our previous acharyas. That time, he gave me asirvad. भागा तो यहां से पीछे से खदेड़ा था
इसलिए खदेड़ने के लिए खदीरबन या खदेड़बन, और वहां पर बहुत से खदीर पान में जो दिया जाता है उसका बन था वहां, इसलिए भी उस नाम का उसका नाम खदीरबन हुआ। वहां पर चैतन्य महापुरुष से पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी और फुकर गोस्वामी वहीं पर एकांत में निर्जन में रहते थे। कुंड के पास में कृष्ण कुंड है और वहीं पर भजन करते थे। बिना मांगे हुए जो कुछ आ जाता उसी को ग्रहण करके अपना किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे। दिन रात भजन करते उसके पास ही में, उनकी कुटी के पास ही में एक बहुत बड़ा मैदान है, उसको राक्षसस्थली कहते हैं। वहीं पर कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास किया। इसके बाद में हम लोग जावट में आए। जावट श्रीमती राधिका जी का और उनके सहेलियों का ये ससुरालय था जावट। विवाह तो होना चाहिए था कृष्ण से राधा जी का, किंतु जोग माया ने अभिमन्यु के साथ में करा दिया और अभिमन्यु को भी नपुंसक बना दिया, और उसका भाई था दुर्मद, उसे ललिता जी की शादी, अनंत मंजरी की शादी और गोपियों की वहां पर शादियां हुई थी। सभी वहीं पर मिल करके रहती थी। वहीं पर कृष्णभानु महाराज ने अपनी बेटी के लिए सुंदर राजमहल बना दिया था, जिसको कंदर्प कुंज भी कहते हैं। वहां पर राधा कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई, शायद उसका वर्णन तुम लोगों ने किया है, अब उसको दोहराने की जरूरत। श्यामरानी बोली और तुमने और लोगों ने भी बोला, ठीक है। तो स्थान हमारे संप्रदाय का गौरव है। बहुत से ब्रजवासी लोगों का, उन लोगों की धारणा है कि राधा और कृष्ण के साथ में शादी हुई थी, अभिमन्यु के साथ में शादी हुई थी, ऐसा नहीं मानते वो लोग। ये समझते हैं फंडीर बन के पास में राधा और कृष्ण की का विवाह हुआ था, किंतु विवाह नहीं हुआ, गांधर्व विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के साथ में गांधर्व विवाह कराया। यदि विवाह होता तो राधिका जी अपने ससुरालय में जाती, वो तो कभी ससुराल में गई नहीं। जावट में किस लिए रहती थी? यदि विवाह हुआ तो कृष्ण का सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि से विवाह हुए, उनको 10-10 पुत्र एक एक कन्या हुई, तो यहाँ पर भी उनको बच्चे होते। जब वो हंडीरपट में गांधर्व विवाह हुआ, उस समय कृष्ण भी बच्चे थे, राधिका जी भी बच्ची थी, गोदी में नंद बाबा कृष्ण को लेकर के गोचारण देखने के लिए जा रहे थे। मेघ चारों तरफ छा गया, अंधकार हो गया, और साथ ही साथ में देखा कि छोटी सी कुमारी राधिका जी आई है और ऐसे हाथ पसार करके हाथों में ले गई।
इसलिए विवाह संभव पर नहीं है। ललिता इत्यादि की का कृष्ण से विवाह हुआ, उनका भी विवाह किसी से भी नहीं हुआ। ललिता जी के पति का नाम दूसरा है, विशाखा जी का पति का नाम दूसरा है, रुक्मंजरी के पति का नाम दूसरा है। इसलिए ये पार्थिव अवतार कुलोक से इस लीला को विशेष रूप से आस्वादन करने के लिए, यद्यपि राधिका जी और गोपियां कृष्ण से अभिन्न है, अलग नहीं है, और ये गोपियां कृष्ण ही है, लीला के लिए राधा जी के रूप में प्रकटित है, और ये गोपियां राधा जी की काय भूम है, इसलिए यथार्थ में तत्व की दृष्टि से तो उनकी ही है, किंतु पार्थिव भाव में रस का उल्लास होता है, इसलिए सभी गोपियां उनकी पार्थिव भाव है। ये केवल जावट में ही इसलिए अन्य संप्रदाय के लोग जाते हैं, किंतु वो शायद वहां जाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, किंतु हमारे संप्रदाय के लोग जरूर जाते हैं, और श्रद्धा की दृष्टि से। तो आप लोग अजावट में गए, वहां पर कृष्ण ने कैसे राधा जी का मान भिक्षा किया, किस प्रकार से कृष्ण एक बक्से में बंद होकर के गए, वो भी अपने पति के सिर पर चढ़ करके लेकर के गए वहां, किस प्रकार से सुबल सखा को भेजा और राधा जी को सुबल सखा बन करके और वो कृष्ण को भेजा, ये सब बहुत प्रकार की लीलाएं हैं जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने चमत्कार चत्रिका में वर्णन किया है, और भी लीलाएं उनकी वर्णन। इसके बाद में आप लोग कोकिल बन में गए, कोकिल बन में दो कुंड है, वहीं पर कृष्ण कुहू करते और राधिका जी अपने सहेलियों के साथ में जटला का आदेश लेकर के आती, मैं कप्पू जो बोल रही है कोयल, मैं देखने के लिए जानूंगी कोयल कैसी है, और यहाँ आकर के कृष्ण से उनका मिलन होता। छोटी बड़ी बहन था ये ग्वाल बालों की, गोपों की वहां पर सभा बैठती थी, और कृष्ण के लिए विचार होता था कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए, बड़ी विपत्तियां इत्यादि और सब बातों के लिए बैठक हुई। चरण पहाड़ी में गोचारण करते हुए कृष्ण ने बंसी बजाई, सारे पत्थर पिघल गए, गायों के चिन्ह, ऊंटों के भी चिन्ह है, हिरणों के चिन्ह है, सखाओं के पैर के चिन्ह है, कृष्ण के लंबे लंबे पैर भी हैं, पैर पत्थर पिघल गया इसलिए छोटा पैर भी वो बड़े आकार के आ गए, और पास ही में चरण कुंड है, उसको खीर सागर भी कहते हैं, पहले बड़ा पानी मीठा था, आज तो उसको खारा हो गया। इस प्रकार से सबको कर करके आप लोग यहाँ पर लौटे हैं, काफी क्लांत हो गए हैं, और पूरी भोजन भी तीन जगह ने किया, खदीर बन में पूरा पेट भर करके खाया, रोटी गुड़ सब्जी और ये सब मट्ठा, और वहां से आते ही चरण पहाड़ी में मालपुआ, खीर, सब्जी, चावल, कढ़ी को पेट भर करके खाया, कुछ बाकी नहीं रहा तो आते आते कोसी में चावल दाल परमान्न पूरी सब्जी पूरी रूप से, अवसर शाम को
वो आप लोग खाए भी नहीं. जैसे भी वो प्लांट हो गए हैं आज के दिन तक सफा रहे. कल समापन का दिवस है व्रत का. एक महीने या चार महीने विशेष करके एक महीने तक हम लोगों ने व्रत रखा. किस लिए रखा? राधा जी को प्रसन्न करने के लिए. और प्रतिदिन नियमित रूप में हम लोगों ने दामोदराष्टक और कृष्ण संबंधी राधा संबंधी और दूसरे पदों का गायन किया करते थे. और प्रतिदिन कृष्ण की ही कथा का सवेरे शाम हम लोगों ने पाठ प्रवचन किया. अब कल व्रत पूर्ण हो जाएगा, हवन किया जाएगा और जो चीजें नहीं चलती थी टमाटर बैगन लौकी बरबटी वो सब चीजें कल से चली गई. किंतु एक बात याद रखनी है, गुरु महाराज जो जिस प्रकार से नियमित से ये सब व्रत किया था फाल्गुन महीने में नवदीप में परिक्रमा, इसके बाद में ज्येष्ठ के महीने में या आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा का उत्सव और फिर कार्तिक में ये कार्तिक व्रत और कहीं कृष्ण के धाम में जाकर के वहां की परिक्रमा इत्यादि करते थे. मैं भी उसी प्रकार से समस्त भक्तों को बुला करके उनको कुछ घड़ी में चाबी देने के जैसा बुला करके तीन तीन महीने के अंतर में बुला करके उनको भजन में प्रवृत्त कराने के लिए ये सब आयोजन करता हूं, जिससे कि आप लोगों का चित्त दुर्बल न हो जाए, सब समय भक्ति में लगा रहे. तो भी कुछ दुर्भागा लोग इसका लाभ नहीं उठा. इसलिए हमने जो कुछ कथाएं यहाँ पर की है, कृष्ण का गुणानुपात जो वर्णन किया है, उसको अपने हृदय रूपी थैली में लेकर के जाएंगे और उसका चिंतन करेंगे कि क्या क्या कथाएं हुई. वो पुस्तकों के रूप में लिखी हुई भी है, उसको भी पढ़ेंगे. इस तरह से भजन करते हुए आप लोग कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करें. जो लोग कल पंडा जी के लिए विदाई नहीं दिया था, प्रणामी नहीं की थी, वो लोग कुछ प्रणामी दे तो अच्छा है. जैसे कि अंत फलाओ तो सब फलाओ. Those who have not given donation for Panda ji, Govardhan Panda, oh, we should try to meet him. Today we went to, firstly we went to Kadiravan. There one demon, Matsasu, calf demon. He joined the group of other calves with the intention to kill Krishna. But smelling him, they ran up, the other calves would run away, and they were killed by Sri Krishna there. Kadir means pan plant. Kadiravan. Also there is the bhajan study of Sri Lokanath Goswami. He went there before Mahaprabhu came to Vrindavan. That place was very uninhabited and silent place. And there on the banks of Krishna Kund, somehow or other he maintained his life and day and night engaged in bhajan. There is one big field which is accepted as a place of Radha Krishna's Rasa Leela.
Then we went to Yavat. Yavat is a very important place in our Sampradaya. Srimati Radhika and her friends are married there and live in the houses of their fathers-in-law. Sri Radha Krishna's marriage was ready to be fixed, but Yogamaya at the last moment arranged Radhika's marriage with Abhimanyu and Ananga Manjari's marriage with Abhimanyu's brother, Nurman. Yogamaya made Abhimanyu a eunuch. Therefore, Vrishabhanu Maharaj built for his daughter a very large palace. And this place, Yavat, is very important in our Sampradaya. Especially in Vrindavan, many Vrishbhasis consider that Radha and Krishna are married. They do not accept or understand Radhika's marriage with Abhimanyu. And in support of this, they give evidence of Radha and Krishna's marriage at Mandiravat by Chaturmukh Brahmaji. But really, this is not a marriage. This is only Gandharva marriage. Otherwise, if Radha and Krishna are married, why is Radhika staying in Yavat? Why she is not staying with her husband in Nandagaon? Then why also, like Rukmini and Satyabhama, has she not had 10 children with Sri Krishna? Therefore, at the time of Gandharva marriage, both Radha and Krishna were small babies. Therefore, where is the question of marriage at such an age? When Sri Nandabhama went cow grazing, being afraid of a storm, he saw a small Radhika and gave baby Krishna a hand in her hands. Therefore, where is the question of marriage? Lalita Vishaka and the other Astasakis are also not married to Krishna. Their husbands are others. Therefore, Yogamaya arranges that the gopis are married with other gopis in order to nourish Parikiras, or the unwedded mellow. There is no difference between the gopis and Krishna, and the gopis are simply bodily expansions of Srimati Radhika. Whether other sampradayas go to Yavat or not, Guru says, I cannot say, but it is definitely a major place for our sampradaya, and we should try to see it with the proper vision. Today we probably heard how at Yavat, Krishna came disguised as a yogi to beg the mind of Radhika, and Radharani emptied her plate full of ingredients on Krishna's head. We heard how Madhya Soda was filling a big box full of ornaments for to take to Radhika, and Krishna emptied out the ornaments and hid in that box, and Abhimanyu carried him to Srimati Radhika's room. Today we heard how sometimes Subal comes inside and changes place with Radhika so she may go outside to meet with Sri Krishna. These are all explained by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur in his book Sri Chamatkar Chandrika. Then we went to Kokilavan. There are two big kuns there. And there Krishna used to call in the voice of a quail. Srimati Radhika asked Kuku and asked permission from Jatila Kutila, I want to go and see that astonishingly sweet singing cuckoo. Then she went out and met with Sri Krishna. We went to Baitan, where there is various assemblies of topics concerning Krishna. There at Chanak Mahari, Krishna played his flute, and the rocks melted in ecstasy. Because the rocks were soft, when Krishna stepped in them, their footsteps became very big. There we saw where Krishna played the part of Shesh. At that time, that kund is now called Kir Samudra. At that time, the water was very sweet, but now it is somewhat salty. Today, we ate puris 3 times. Therefore, tonight, meal will not be necessary. Therefore, today is the final day of our 4 months of Chaturmasya, or at least our 1 month of Kartik Vrat. For what reason are we maintaining these vrats? We are maintaining them for the pleasure of Radhika. For her happiness, we have chanted in a very structured manner different astakams like Damodar astakam, etc. And every day we have heard 2 lectures of Krishna Katha. Also, tomorrow is the appearance of eggplant and other forbidden foodstuffs. Therefore, like my Padma Gurudev, like our Padma Gurudev, he used to do every year 3 fixed parikrams in Navadvip, Dham, Jagannath Puri in the time of Rath Yatra, and this Kartik Vrat.
Therefore, Buddha said, following in his footsteps, I am also trying to follow in the same manner, that everyone's mind should not be weak, their heart should not become overwhelmed by desires. They should come here and have their engine wind, engine wound up, like a quick in and wind up the dog. So we should keep all this Harikatha in our heart. And not only that, we should think and remember it. And we should also read the books of all this Harikatha so it remain fresh in our minds and we can remain inclined towards Bhajan. And today is, the Govardhan Pandit. Everyone, those who have not given something can try to please give something. Some gave yesterday, but many have not given. Therefore, all can give something for our Girdhari Pandit. Hare Krishna. So, tomorrow is our last day. So many devotees leave India and go their own country. So we were about to say goodbye and to pranam to Gurudev can do now. And tomorrow morning we will come in class. And there are some initiation also. So initiation will take place tomorrow 9 a.m. After that, we have to say clean head everything. So I am requesting devotee, there should not push and request. Why I am leaving just now, I want to take darshan of Gurudev. So I am requesting them for all, they can do pranam now and tomorrow morning when Gurudev will come in class and shall do that. One more thing, as I am requested as before, the devotees, they are leaving country. So about 40 brahmacharis going for Bengal preaching for Navadi Parikrama. So it will be fair if they donate their sleeping bag, dust light mat, etc. It will be helpful for preaching for devotees. One more thing, everybody wants that we will go for darshan everywhere. But due to maintaining their health, I am not allowed that so many devotees may be accepted to Vishwa Mass. Forgiveness for you all. But this is my duty I have to do in another way. Hare Krishna. Hare Krishna. Shabda Namaskar. What is that short announcement? Three passports are still with us. One is belonging to Maluka from USA. One is for a Russian lady who knows Mal Kayani. And one is for a devotee from Italy. Please pick up your passports, otherwise you will have to stay. And today, as you all heard, every day we are chanting Damodar Ashtakam today, the wonderful translation of this continuous Sankara. On the brink of time, so you can take it with you to your countries, and every day, again, you can recite and study the beautiful commentary of Srila Sanatana Goswami's original commentary, and also Srila Gurudev's added comments, and Srila Bhakti Pratyam Keshavamaraj's commentary. So please obtain this book before you leave. Yeah? Bring copies for your family. Oh. 2x50%. We don't have the price yet, but around 100 rupees. Today, for the pleasure of Srila Gurudev and all the Vaishnavas, the beautiful pastor Seva Kunja has arrived. Yeah. Bhakta Vikas has made this for your temple, your mandir at home. If you have a big car, you can put it in your car. Okay. They're available. Also, tomorrow there will be 4 buses leaving from here to Vrindavan. At 2:30, just after Prashana. So leave your Dharma Shalas, everything, tomorrow morning. You won't be able to stay there any longer unless you make separate arrangements with the owner of the Dharma Shala. Bring your luggages in time. After the Prashana feast at lunchtime, 12 o'clock, buses will be waiting for loading and you can aboard them to go to Vrindavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.